अच्छा, सवाल तो हमारा जन्नत के हुसूल का है कि हमें जन्नत जो है वो मिल जाए और हम सबको जन्नत मिले इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमें अपने को थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ऐसे ही अपना मुहासबा करना है, इधर उधर से काट चाट करके मुझे अपने को ठीक करना है कि मैं जन्नत की मुस्तहक हूँ या नहीं हूँ। पिछली दफा हमारी बात हुई थी तो वो ये बात हुई थी कि उसका 18वें पारे का शुरू जो है, कद अफलाह मोमिनून, वो इंसान वो मोमिन फला पा गया। फिर उसमें था कि उसकी ये खूबियां, 6-7 खूबियां बताई गई थी और ये है कि यही जन्नत के वारिस है, यही जन्नत के हकदार है। अब जो मैं बात कर रही हूँ नसीम घंटा, अब जो मैं बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ कि सूरह मरियम है जो है, सूरह मरियम के मिडिल उसमें है, अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को भी बताती हूँ। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत के वारिस जो है वो मुत्तकी लोग हैं। अब ये तकवा क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, ये जो है 59 की आयत है सूरह मरियम की। इससे पहले की 58 की आयत में अल्लाह ताला ने बताया है, जैसे नूह नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो है सारा जो है दुनिया ने आबाद होना शुरू हुआ, तो शुरू के लोग बड़े अच्छे थे, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और उनकी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम आई, उनके औलादों में सारे पैगम्बर आए और वो लोग जो है इबादत रियाजत करते थे, और जब उनके सामने जो है अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो वो उनके ऊपर रिक्कत तारी हो जाती थी और वो रोते हुए अल्लाह ताला की अजमत के वजह से सजदे में गिर जाते थे। तो सारी बात ठीक चल रही थी, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो बाद के लोग आए तो उन लोगों में कुछ मामला जो है गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरह से फरमाता है, औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फखलफ मिन बादिहिम खलफुन अदाउ सलाता व तबाउ शहवाते फसौफा यकूना गय्यन। गय्यन का लफ्ज है वो खास है, गय्यत के माने है हलाकत है और ये जो है बर्बादी है हलाकत है, और गयन जो है जहन्नम की एक वादी को भी कहते हैं गयन का लफ्ज। तो फिर क्या हुआ, फिर इनके बाद ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज जाया कर दी, नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो इनका नुकसान इनके आगे आएगा। बाद के लोग जो है वो इसमें पड़ गए, तो इसके मुताबिक ये कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ काम करने वाले हैं हो गए वो लोग। नमाज जाया करने से मतलब ये कि नमाज बिल्कुल तक नहीं की, अगर तक कर दे तो वो तो फिर काफिर हो जाता है। तो ये क्या करते थे, नमाज के वक्त में तब्दीली कर दी, वक्त जाया कर दिया, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, जब दिल चाहा पढ़ ली, जब दिल चाहा उठ गए, कभी दो नमाजों को मिला दिया, कभी चार नमाजें पढ़ी, ये सारे तरीके और सूरतें जो है वो नमाज को जाया करना है। जिसका इतिकाफ जो है सख्त गुनाह कबीरा है, इसलिए कहा गया है कि इनके लिए हलाकत है, यानी कि गयन है, वो गयन में जाएंगे। फिर क्या हुआ, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन व उलाइका यदखुलूना जन्नता व ला युज़लमूना शैआ, बस उनके जो तोबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल कमल करे, तोबा कर ले ईमान लाए नेक अमल करे, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनकी हक तलफी नहीं की जाएगी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम अपने गुनाहों से तोबा कर ले, अस्तग़फार कर ले, अपना ईमान मुकम्मल कर लें, नेक अमाल करें, जितने भी नेकी हम कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत जो है वो अता करेगा। यानी जो तौबा करके तर्क सलात इत्तबाए शहवात से बाज आ जाए, शहवात के मायने होती है दिल की मुख्तलिफ ख्वाहिशें जो दुनियावी होती हैं, और ईमान और अमल और साले के तकाजे का एहतमाम अगर हम कर लें तो इंशा अल्लाह ताला हम जो है जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे, जन्नत में जाने वाले हो जाएंगे।
इन्हीं के मुताले कहा है अल्लाह ताला ने, जन्नति अतनिलती वादा रहमानो इबादहू बिल गैर इन्नहू काना वादहू मातिया। यही लोग हैं जो हमेशा जन्नत में रहेंगे, जिन्होंने अल्लाह का वायदे पे इतबार किया जो अल्लाह ने अपने बंदों से कहा था, और उसका वायदा पूरा होने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत ऐसी जगह है जो जाएंगे, तो जब कहा कि इन्होंने अल्लाह के वायदे के ऊपर एतबार किया, इसके मायने क्या है कि इनके ईमान और यकीन में पुख्तगी थी। किनके? जो जन्नती लोग हैं। कौन लोग जन्नती है? मोमिन है, जिन्होंने जन्नत को देखा नहीं, लेकिन जैसे हम अल्लाह को मानते हैं बगैर देखे, इसीलिए इसी तरह से हम जन्नत पे भी यकीन करते हैं। और इस जन्नत को हासिल करने का तरीका जो है ईमान और तकवा है। अब दो चीजें आ गई। पिछली दफा हमने ईमान की बात कही थी कि जो लोग मोमिन हैं, जिनके पास ईमान है, वो जो है जन्नत में जाएंगे। अब हमने उसके साथ एक लफ्ज और बढ़ा दिया है, तकवा। कि अगर वो जो मोमिन हो, ईमान हो उसका मुकम्मिल, और उसको तकवा हासिल हो, तो ये लोग जो है जन्नत के वारिस है, ये लोग जन्नत में जाएंगे। यानी फरी, अच्छा यहाँ पर क्या है, ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामन वलाहुम रिस्कहुम फीहा बकरातुम व अशिया। ये लोग जो जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में अपने फरिश्ते भी इनको सलाम कहेंगे, और ये लोग भी एक दूसरे को सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम कहेंगे। और वहाँ कोई लगवा बात नहीं होगी, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं होंगी, बस अल्लाह ताला की हम्द सना होगी, हंसेंगे बोलेंगे। ये जन्नत के मुताबिक बता रहे हैं, हंसेंगे बोलेंगे खाएंगे पिएंगे, सब अच्छा ही अच्छा होगा। और वहाँ पर सुबह अल्लाह ताला जो है रिस्क अता फरमाएगा। तिल कर जन्नत लती, तिल कर एम्फसाइज किया गया है, ये जन्नत वाले हैं। तिलकल जन्नत लजी, ये है जन्नत वाले, नूर सो मिन इबादे ना, जिनको अल्लाह ताला ने वारिस बनाया है अपने बंदों में से जन्नत का। फिर वो कौन है? मन काना तकिया, ये लोग वो है अल्लाह के बंदों में से मुत्तकी और परहेजगार है, यही लोग जन्नत के वारिस है, अल्लाह ताला ने इनको जन्नत का वारिस बनाया है। रसूल बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने आप को तुमका अल्लाह का तकवा हासिल करने की नसीहत फरमाता हूँ। अब ये है थोड़ा सा, इन्होंने इमाम अहमद ने जो बताया है कि जैसे कहा है कि फरिश्ते हर तरफ से सलाम करेंगे, जन्नत वाले एक दूसरे को सलाम करेंगे, तो वो इमाम अहमद ने इसकी तफसीर में कहा है कि जन्नत में रात और दिन नहीं होंगे, सिर्फ उजाला ही उजाला होगा, रोशनी रोशनी होगी। फिर हदीस में है कि जन्नत में दाखिल होने वाले पहले गिरोह की शक्लें 14वीं रात के चांद की तरह की होंगी। पहला गिरोह कौन सा है? वो 70,000 लोग हैं जो जन्नत में बगैर किसी हिसाब किताब के जाएंगे। इसके अंदर जो है सहाबा कराम, अजवाजे मुतहरात और बड़े बड़े औलिया और बुजुर्ग, ये लोग तो बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल कर ले। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला हमसे हिसाब किताब नहीं लेना, हम हिसाब किताब के काबिल नहीं है, हमें अपने उन 70,000 लोगों में शामिल कर देना जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो हम हर नमाज में ये दुआ भी करते हैं। तो उनके चेहरे 14वीं रात की तरह से चमक रहे होंगे। जब हम जन्नत में जाएंगे तो वहाँ यही नहीं है कि खांसी हो गई, थूक रहे या वॉशरूम जा रहे, ऐसी कोई चीज वहाँ पर नहीं होगी। अब वहाँ के बर्तन कंघियाँ हमारी और बर्तन वगैरह सब सोने के होंगे, खुशबूदार लकड़ी के होंगे, वहाँ में पसीना भी अगर आएगा तो उसमें से भी खुशबू होगी।
पर यह भी कहा गया कि हर जन्नती की दो बीवियां होंगी, इनकी पिंडलियों का गूदा उनके गोश के पीछे से नजर आएगा, ये उनके हुस्न और जमाल को बताया गया है। और वो लोग जो है सारे लोग वहां पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह की तस्बीह जो है वो करेंगे। तो ये तो इन्होंने, ये तो हम तफसीर की किताब में से पढ़ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में जाने के लिए, जन्नत का हम बाद में भी पढ़ेंगे कि जन्नत में जाने के लिए हमें क्या करना है, और वो जन्नत के लोग कौन है जो मुत्तकी है। तो सबसे पहले तो हम ले लें कुरान शरीफ की इब्तदाई अल्लाह ताला इससे करता है, हम कभी ध्यान नहीं देते। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, नो डाउट इस किताब में कोई शक और शुबह नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन, क्योंकि ये मुत्तकी लोगों के लिए किताब अल्लाह ताला ने भेजी है, ये मुत्तकी लोगों को हिदायत देती है। तो ये आ गया कि पहली इसमें जो है अल्लाह ताला मुत्तकी बता रहा है। अब मुत्तकी लोग कौन होते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं बगैर देखे, और जो है रोज़े मैशर पे ईमान लाते हैं, आखरत पे ईमान लाते हैं और क़यामत पे ईमान लाते हैं, और वो क्या और क्या करते हैं, समझ में आए? यो मिनूना बिल गैब, सारी गैब की बातों के ऊपर वो ईमान लाते हैं, ये है मुत्तकी। फिर यू की मुनसलाता, वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अब सवाल ये है कि नमाज का हम, और बाद में कभी मौका मिला तो हम डिटेल में बात करेंगे कि नमाज को कायम करना क्या होता है और नमाज का पढ़ना क्या होता है। नमाज का कायम करना ये है कि हम हर वक्त जो है हमारा ध्यान, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि नमाज में अटका रहे। अब मर्दों के लिए कहा गया है कि वो मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी और वहां से आ भी गए, तो जब वो वहां से आ भी गए ना तो उनका दिल वहां अटका है, मस्जिद में आ गए, काम करना है, रोजी रोटी कमानी है, लेकिन उनका दिल और दिमाग मस्जिद में वो छोड़ा है कि जैसे असर का वक्त होगा तो हम नमाज पढ़ने जाएंगे। तो ये कहलाता है नमाज को कायम करना कि वो वही नमाज में खड़े हुए हैं, उनका दिल वही है, उनका दिमाग वही है, मजबूरी के तौर पर जिस्मानी तौर पर आ गए हैं। तो ये जो है मुत्तकीन की सिफत है कि वो नमाज को कायम करते हैं। फिर कहा गया है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। खर्च करने का मायना क्या है, ये देखें कि अल्लाह ताला जो है रिस्क देता है, मुझे रिस्क देता है, पता नहीं मेरे रिस्क में किस किस का हिस्सा है, मुझे किन लोगों के वसीले से रिस्क मिलता है। इसी तरह से आप देते हैं, देते रहते हैं, देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम जो है अल्लाह ने हमें जो दिया है उसमें दूसरे लोगों का भी हिस्सा है, ये हमें ध्यान करना है। सबसे पहले हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले आते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले आते हैं, और फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कौन मुस्तहिक है, तो उसको हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि ये मुत्तकीन की निशानी है और मुत्तकीन जो है वारिस हैं जन्नत के। तो हम अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो हम अपना हाथ खुला रखें। मैं तो ये कहती हूँ मुझे जो रिस्क देता है अल्लाह पता नहीं किन लोगों के नसीब का देता है, अल्लाह को उनको रिस्क देना है, उनका रिस्क का पैसा अल्लाह ने मुझे दे दिया तो उनके वसीले से मुझे भी रिस्क मिल गया, और मैंने दे दिया वो तो उनका रिस्क था, उनके वसीले से जाता है। तो हमेशा हाथ खुला रखो, देते देते रहो, ये मुत्तकीन की निशानी है। फिर कहा गया वल्लज़ीना युमिनूना, वो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, बेमा उन्ज़िला अलैका, जो कुछ अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल किया है, वह मा उन्ज़िला मिन कब्लिका, और जो उनसे पहले नाजिल किया गया है, वह बिल आखरते हुम युकिनून, और वो आखरत पे ईमान रखते हैं। अब सवाल यह आया वल्लज़ीना युमिनूना, मोमिन वो लोग हैं कि जो उस पर ईमान लाते हैं, मा उन्ज़िला अलैका, जो हम पर नाज़िल किया गया। हम पे क्या नाज़िल किया गया? पे अल्लाह ताला ने अपना प्यारा हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दिया,
उनके जरिए हमें कुरान दे दिया, उनके जरिए हमें जन्नत देगा अल्लाह ताला, है तो अल्लाह ताला, तो हम इसके ऊपर ईमान लाते जो अभी हम पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया। और फिर वह माउजीरा मेरे कबले का जो इससे पहले की उम्मतों पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, उस जमाने में भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे थे, अपने पैगंबर भेजे थे जो आते थे। हर पैगंबर की एक ही तालीम होती है, तालीम तौहीद होती है, अल्लाह ताला एक है और रसूल जो है वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, यहाँ के मखलूक हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है कि वो यहाँ पर आके हमारे जैसे बंदों को नेक राह दिखाएं। अल्लाह ताला के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें बताए हैं, या आसमानी किताबें 114 आसमानी सहीफे हैं सारे मिला के टोटल जो आते हैं, और दो तीन किताबें हैं तौरात है, इंजील है वगैरह है और जबूर है, तो इनमें जो कुछ लिखा है, इन लोग इनमें यही कुछ लिखा है जो हमारे कुरान में लिखा है, तो हम उन पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं, उनकी ही आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं। वह बिल आखरते हम यकीनून, और ख़ास बात यह है कि हम हमारे पास अकीदा आखरत है, हम मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी के मानने वाले हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम आलम बरज़ख़ रहेंगे, फिर अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा, फिर सारी दुनिया के बंदों को उठाएगा और सबका हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो है हमारी दूसरी ज़िंदगी जो होगी वो शुरू होगी। हम इस पर ईमान लाते हैं इसलिए कि हम मोमिन हैं, और इसलिए कि हम मुत्तकीन हैं, और इसलिए कि जन्नत के हम वारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलाएक अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पा गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो उलाएक हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की अजमतें और रहमतें नाजिल होंगी। अब जो है यहाँ पर बात यह आती है कि हम जो है जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, हवास से उनका इदराक नहीं कर सकते, जैसे ज़ाते बारी ताला वही है, जन्नत है, दोजख है, मलाइका है, अजाब कब्र है और सारी चीजें हैं, तो ये जो है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हम उन पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इनमें से किसी चीज को हमने देखा नहीं है, उसके ऊपर हम ईमान लाए हैं। ये मैं आपको तफसीर बता रही हूँ। फिर जैसे कहा कि अकामत सलात से मुराद पाबंदी से और सुन्नत नबी के मुताबिक नमाज का एहतमाम करना है, वरना नमाज तो मुनाफिकीन भी पढ़ते थे और अभी भी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत देते। पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है जो किताबें अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ये सब सच्ची हैं, अब अपनी असली शक्ल में नहीं पाई जाती, तो अब इन पर अमल नहीं किया जा सकता। अमल सिर्फ कुरान पाक पर और इसकी तशरीह नबी अहादीस पर किया जाता है। इससे यह मालूम हुआ कि वही रिसालत का सिलसिला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है। ये अफिस कहा गया है, ये इन अहले ईमान का अंजाम बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद तकवा अमल और अकीदा सही का एहतमाम करते हैं। क्या मतलब? महज अपनी जबान से वो कह देना काफी नहीं है मैं मोमिन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। कामयाबी से मुराद आखरत में रजाए इलाही और इसकी रहमत और मगफरत का हासिल करना है। इसके साथ दुनिया में भी खुशहाली और सआदत और कामरानी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, वरना असल कामयाबी मोमिनीन एंड मुत्तकीन जो जन्नत के वारिस हैं, आखिरत ही की कामयाबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सारे के सारे लोग जो है वो मुसलमान हो जाएं, लेकिन सारे लोग मुसलमान नहीं हो सके। अभी तो खैर हम जन्नत की बात कर रहे थे, हमने इसे बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है, उसमें उन्होंने तकवे के मुताल्लिक क्या कहा है, हमें ये भी तो पता चले ना कि तकवा है क्या। तो अब हम तकवे की डेफिनेशन पे आ रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि
उलमाए रब्बानी ने तकवा के मायने और मुत्तकी की हकीकत के बारे में कुछ इख्तिलाफ है, यानी कि बहुत सारे कौल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मुकम्मल तकवा अल्लाह ताला के इस इरशाद में है। क्या है? ये सूरह नहल की 90 नंबर की आयत है। इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व एताए ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ। बेशक अल्लाह ताला तुमको अदल, एहसान और कराबत वालों को माल देने का हुक्म देता है। ये जो है खूबियाँ फिर बताई हैं, जैसे हमने सूरह बकरा के पहले रुकू में पढ़ी थी वो, और ये जो है सूरह नहल की, इसमें भी मुत्तकीन की खूबियाँ बताई गई कि मुत्तकीन कौन है, जो अदल करते हैं, कहीं पर भी चीटिंग नहीं करते, कहीं पर भी कोई गलत काम जो है वो नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, उनको जो है देते हैं। किसको देते हैं? यतीम को देते हैं, लावारिस को देते हैं, और जो मुस्तहक होते हैं उनको देते हैं, और तमाम बदकारी, बेहयाई और नाफरमानी के कामों से जो है रुक जाते हैं, ताकि वो नसीहत कबूल कर लें। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मुत्तकी हर वो शख्स है जो किसी दूसरे शख्स को देखे तो ये कहे कि ये मुझसे बेहतर है। खदाब रज़ी ताला अलैहु ने हज़रत काब आया से फरमाया, मुझे तकवे के बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने बताया, ये डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद है कि जब आप कभी किसी खादार रास्ते से गुजर रहे हो तो आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने आप को उस रास्ते से अपने कपड़ों को समेटता समाटता निकल जाता हूँ ताकि मैं कहीं उलझू न। असल तकवे की डेफिनेशन यही है कि दुनिया जो है ये कांटे है, ये उलझाव है, ये हर तरह की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि एक जैसे झाड़दार जंगल में से गुजरें, कि अपने कपड़ों को संभालते हुए कि हम ना जख्मी हों, हमें चोट ना लगे, हम आहिस्तगी के साथ यहाँ से निकल के जन्नत में चले जाएं। ये है तकवा। अब फिर ये है कि ये भी कहा गया है तकवा तो ये है कि जिसको अल्लाह ने हराम किया उसको हराम जाने, उससे बचे, जो हलाल किया उसके पर अमल करें, और इसके बाद जो अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क देगा वो खैर ही खैर होगा। देखना कितना वक्त बाकी है। इसके अलावा तल्ह बिन हबीब से दरियाफ्त किया गया कि तकवा क्या है। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की दी हुई रोशनी में सवाब की उम्मीद पर अल्लाह से शर्म करते हुए एकाम इलाही की अताहत और उस पर अमल करना तकवा है। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने जो हमको ईमान की रोशनी दी है, अहादीस की रोशनी दी है, अपने कलाम की रोशनी दी है, उस रोशनी में हम जो है अपने आप को तमाम बुरी चीज़ों से बचाएं ताकि हमें शर्म आते हुए और अल्लाह ताला के एकाम पर जो है हम अमल करें, तो वो तकवा है। फिर ये भी कहा गया है कि अल्लाह के दिए हुए नूर के मुताबिक इसके अजाब से डरते हुए मासियत को तर्क कर देना भी तकवा है। तो ये मैं मुख्तलिफ जो है तकवे की डेफिनेशन बता रही हूँ। बकर बिन अबीदुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक मुत्तकी नहीं हो सकता जब तक इसका खाना हराम मुश्तबा से पाक ना हो और गज़ब से बचने की कोशिश करे। हमें अपनी कमाई के अंदर ये देखना है कि हमारी कमाई हलाल हो, हमसे कहीं आगे पीछे गलती तो नहीं हो रही है, हम अपने जॉब में कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा जो है वो हराम हो जाएगा रोटी रोजी। लेकिन अगर हम सही तरीके से कमाएंगे तो वो हलाल होगा और हम मुत्तकी परहेजगार हो जाएंगे। फिर ये भी कहा गया है कि जो अपने नफ्स से बस रखता हो, यानी कि नफ्स के खिलाफ जाए। हज़रत शिबली ने फरमाया है कि मुत्तकी वह है जो अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बचे। फिर ये भी कहा गया है कि हर वो चीज़ जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे, इससे किनारा का छोड़ रखना, उसको छोड़ देना तकवा है। फिर ये भी कहा गया है कि आदाब शरीयत की मुहाफ़ज़त का नाम भी तकवा है। फिर ये भी कहा गया है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन,
जो कुछ तू कहे खुदा के लिए कहे, और जब खामोश रहे तो खुदा के लिए रहे, और जब तू जिक्र करे तो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए जिक्र करे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। जैसे एक जगह और कहा गया है कि फला शख्स ने, अच्छा, तकवे का असल शिर्क से बचना है, इसके बाद मासी सयाद से बचना है, फिर शुभात से बचना है, इसके बाद फजूल और बेकार बातों को तर्क कर देना। इत्तकुल्लाह हक्कहु तुकातही, अल्लाह से डरो जितना डरने का हक है, कि अल्लाह की अताअत की जाए, नाफरमानी नहीं की जाए, इसको याद किया जाए फरामोश ना किया जाए, इसका शुक्र अदा किया जाए ना शुक्री ना करे। मैं अब जो है दुआ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया वला दारुल आखिरत तो खैरुल लजीना यत्तकून, बेशक आखिरत का घर मुत्तकी लोगों के लिए बेहतर है। तो अल्लाह ताला अब आखिर दावाना, अल्लाह ताला हमें जो है एक मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक अदा फरमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, चले हम दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह या रहमान करीम अजीम रहीम रहमान है दुनिया रहीम है आखरा, या जल जलाले वाले इकराम, या अल्लाह पाक आप रहीम है करीम है अजीम है, सारी कुदरत आपकी है, बादशाह आपकी है, आप हमारे माबूद है, हम आपके बंदे हैं, आप हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, हम सही मोमिन बन जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे भाई बहन भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को जो है कामयाब बना दीजिए, हमें आमीन। सही राह दिखा दीजिए, ताकि हम भटके नहीं, हमसे गलती नहीं हो। हम इंसान हैं, इंसान खता का पुतला है, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे इस्तिगफार करते हैं कि हमारे सारे भाई भाई बहनों में उम्मत मुस्लिमा के दिल में जो है प्यार और मोहब्बत पैदा कर दीजिए, इत्तेफाक पैदा कर दीजिए, हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं, एक दूसरे को इस्लाह दिखाने वाले बन जाएं। आमीन सुमाम। हम जो है खैर उम्मा आमीन है, सूरह बकरा में खैर उम्मा का लफ्ज हमें लिए इस्तेमाल किया गया है, तो अल्लाह ताला हमें खैर उम्मा ही बना दे। खैर उम्मा इंशाल्लाह। है जो नेकी का जो है अमल करते हैं, दूसरों को नेकी की तरफ बुलाते हैं, बदी से रुकते हैं, बुरी चीजों से खुद भी रुकते हैं, और दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी आमीन तरह बुरा काम ना हो जाए। आमीन इंसान है, गलती हम सबसे होती है। सपोज गलती हो गई है तो मेरी बहन, कोई भी बहन हो, उसका हक ये बनता है कि मुझे समझाए, मगर मुझे जलील ना करे, प्यार से मोहब्बत से समझा दे, कौशल देखो तुम ये गलती कर रही हो, हमारी शरह में ये नहीं है, हम तो मुत्तकी हैं, हमें ये बात नहीं करना चाहिए, जज़ाकअल्लाह, तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, इतना अवार्ड मिलेगा कि जिसकी कुछ हद नहीं। उसके साथ ही साथ मेरे नफ्स को जलील नहीं करो, किसी दूसरे के सामने मुझे जलील ना करो, मुझसे गलती हुई है साफ प्यार मोहब्बत से बता। तो ये है खैर उम्मा। अगर हमें किसी की बुराई पता चल जाती है, हमें किसी की गलती पता चल जाती है, तो प्यार मोहब्बत से चोरी छुपी उसको समझा दो, दुनिया में उसको ना बताओ, और खुद भी उसको जलील और शर्मिंदा ना करो। अल्लाह पाक हमें मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमा दे, हमें मोमिनीन बनने की आमीन तौफीक, आमीन 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 हमारी नमाजों को पूरा कर दे, हमें सही तरीके आमीन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, हम सबको दोजख की आग से महफूज कर दे, हम सबको जो है कब्र के अजाब से जो है महफूज कर दे, हम सब वो हमारे सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फिर मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमान की मगफिरत फरमा दीजिए, हम सबको जो है जन्नत जो है हराम हो, दोजख हराम हो, कब्र के अजाब से भी महफूज कर दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेरहमतेका या रहमत रहीमीन। बस सलाम अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह खैर। तो बात सेहत के साथ रखे सबको। हाँ।